पहले तो मैं अपने देशवासियों को सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, फेडरेशन, साई, गवर्नमेंट और टॉप सबको, मतलब आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट सबको ही थैंक यू बोलना चाहती जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है। तो काफ़ी खुशी हो रही है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस में स्टीपल चेस में हमने मेडल जीता है तो पहला ही हमारा इस इवेंट में मेडल है तो काफ़ी खुशी हो रही है। आप पोडियम पे चढ़े जब देश के लिए, तब कैसा लगा, तिरंगा ऊपर जा रहा था, मूवमेंट कैसा था, कितना खास था? देखो मतलब खुशी थी, काफ़ी थी, बस थोड़ा सा ये था जब तिरंगा जा रहा था लेकिन हमारा राष्ट्रगान नहीं बज रहा था, थोड़ा सा ये रह गया। तो लेकिन अगली बार यही कोशिश रहेगी कि देश के लिए गोल्ड जीतना है और हमारा राष्ट्रगान बजाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपकी इस जीत पर खासकर ट्वीट किया है और बोला है जाने से पहले इनसे बात हुई थी, आपकी कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है, आर्मी से आपका जुड़ा हुआ, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है आपके बारे में, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो आने से पहले भी मतलब उनसे ये हुई थी बात, उन्होंने सभी एथलीट से बात की थी और वो उन्होंने मतलब इतना मोटिवेट किया था, मतलब ऐसे लगता था कि हम भी मेडल जीतना चाहिए। जैसे ओलंपिक्स के बाद, टोक्यो ओलंपिक्स के बाद हम गए थे, वहाँ मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा था, मतलब मेडल तो नहीं जीत पाए थे लेकिन वहाँ ऐसे नहीं लगा कभी कि हम मेडल जीत के नहीं गए। उन्होंने हमें मतलब प्रधानमंत्री जी ने हमें बुलाया था वहाँ पे दिल्ली में, तो मतलब ऐसे लगा ही नहीं कि हम मेडल नहीं जीत के आए, लेकिन इस बार हम उन्होंने जो मतलब इतना मोटिवेट हुए थे कि ऐसे लगता था कि हम भी मेडल जीत के जाना चाहिए।